मजदूर दिवस पर सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। दरअसल मजदूर दिवस उन शानदार लोगों के सम्मान में मनाया जाता है जो अपने कंधों पर पूरे देश की तरक्की का बोझ उठाते हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि मजदूरों का सफ़र आसान नहीं है, पर हम उनकी तकलीफ़ों पर झांकना ही नहीं चाहते। जबकि हम ये जानते हैं कि हर निर्माण के पीछे मजदूरों का बलिदान है, तो दिन रात जुटे रहते हैं, लगे रहते हैं। कभी तो ताजमहल बनते हैं, राम मंदिर बनता है, संसद भवन बनता है, आपका मेरा सपना घर बनता है। लेकिन हमारे पास फुर्सत नहीं है कि हम उनको बधाई दे सकें। ये मजदूर भाई बहन जो देश की अर्थव्यवस्था की धुरी हैं, ये दूसरों का घर बनाते बनाते ताउम्र बेघर रह जाते हैं। अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा नहीं पाते। कहते हैं ना, सोने की खान में काम करने वाले मजदूर की बेटी पीतल की बालियां पहनकर ब्याही जाती है। मैं तो मजदूरी का सफ़र बहुत कष्टकारी, बहुत मेहनत का, लेकिन जो मेरा अनुभव है वो यह है कि मजदूर फिर भी खुश रहते हैं। एक उद्योगपति, धनाढ्य व्यक्ति या बहुत अच्छी नौकरी और शानो शौकत का मालिक तो मैंने तनाव में देखा है, दुखी परेशान देखा है, आत्महत्या करता देखा है, तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त देखा है। मजदूर और उनके बच्चे फिर भी खुश रहते हैं। हर हाल में वे हर चीज़ को खिलौना बनाकर जिंदगी को खेल समझते हुए बहुत शानदार तरीके से ज़िंदगी जी जाते हैं। तो आज मैं मजदूर बहनों भाइयों को सलाम करती हूँ, उनकी पीठ पर अपनी आत्मा से शाबाशी की मोहर अंकित करती हूँ। उनके बिना ये समाज एक कदम भी चल नहीं सकता। बढ़ना और विकास करना तो बहुत दूर की बात है, उनकी चाल की तेजी देश की तेजी की गति से नापी जा सकती है।